दोस्तों, स्वागत आपका रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों, हम कर रहे थे रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2018 के प्रीवियस ईयर साइंस के क्वेश्चन, और उसमें हम आपसे बोला था कि डेली 10 बजे हम एक वीडियो आपके सामने डालेंगे। इसको आप क्विज के रूप में सॉल्व कर सकते हैं और अपना स्कोर पता लगा सकते हैं, क्योंकि इसका लेवल है ना वो गाइज सेम टू सेम रहने वाला है इस वर्ष भी ग्रुप डी वाली भर्ती में। तो ये हमारा पार्ट नंबर 60 वीडियो है और इसकी डेट है 16/10/2018 का थर्ड शिफ्ट का वीडियो। इससे पहले जो भी शिफ्ट हुई हैं वो मैंने सारी करा दी हैं। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर साइंस नाम से मिलेगा, तो उन वीडियो को सारे देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो भी आपके दोस्त रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। चलिए पहला क्वेश्चन है, और साथ साथ आप यहाँ पर जो लाइव चैट है वहाँ पर अपना आंसर देते रहना और देखना, लास्ट में कमेंट करके बता देना कि आज की शिफ्ट है उसमें आपके इतने स्कोर आया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई निम्न में से किसमें तंतुबंद नहीं पाए जाते हैं। अब देखिए तंतुबंद का मतलब होता है कि आपको होता हमारे शरीर में क्या होते हैं कि जो भी अंग पाए जाते हैं ना वो एक दूसरे से किसी न किसी बेस से किसी न किसी आधार से जुड़े होते हैं, है ना। तो आपसे पूछे किस कौन सा आपका एक होता है निम्न में से कौन सा है जो जुड़ा हुआ नहीं तो होता किसी से, है ना, वो खुला होता है। तो आप देखें किडनी होती है, किडनी बंधी हुई होती है, आपको पता है ऐसे नहीं किडनी एक जगह से दूसरी जगह भग गई, है ना। आपका हार्ट होता है वो बंधा होता है, लीवर होता है वो आपके बंधा हुआ होता है, मतलब एक जगह स्थित होता है। लेकिन आपका ब्लड होता है ना, ब्लड उसमें किसी प्रकार का कोई फाइबर नहीं पाया जाता, है ना, कोई तंतु नहीं पाया जाता। तो ब्लड आपको पता है ब्लड आपकी गति करता रहता है एक जगह से दूसरी जगह, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई परमाणु क्रमांक 17 वाला जो तत्व होता है, ठीक है, वो किस तत्व के परमाणु क्रमांक के समान अपनी विशेषता दिखाता है। तो देखिए ये है आपके आधुनिक आवर्त सारणी से संबंधित। अब देखिए आधुनिक आवर्त सारणी से मैंने आपको बताया था कि भाई आधुनिक आवर्त सारणी जो होती है ना, उसमें पहले तो आप जो वर्ग 17 है ना, ये आप परमाणु संख्या 17 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2, 8, 8 और 7, ठीक है, क्या हो गया 2, 8, 7। अब देखो आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि भाई 2, 8, 7 है, ये पहला आवर्त हो गया, ये दूसरा आवर्त हो गया, ये तीसरा आवर्त है, ठीक है। आपको एक चीज़ बताई थी, और आपको एक चीज़ और बताई थी मैंने कि जब हम नीचे की ओर जाते हैं, ठीक है, अब देखिए इसके बाद कौन सा आएगा, चौथा आएगा ना। तो आपको ये बताया था कि भाई पहला जो आवर्त होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दूसरे और तीसरे में 8-8 हो सकते हैं, और चौथे और पाँचवें में हो सकते हैं आपके 18-18। तो क्या करेंगे, हम चौथे में जा रहे हैं ना, तो चौथे में जा रहे हैं तो कितने ऐड करने पड़ेंगे, इसमें 18 ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि ये 3 तो पहले ही हैं, यानी कि हमको इसमें 18 ऐड करने पड़ेंगे, यानी कि 17 तो पहले ही थे, अब 18 और ऐड करेंगे तो ये आपके हो जाएगा 35। क्या हो जाएगा, 35, ऑप्शन नंबर थर्ड है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, ऐसे अंग जिनकी मूल संरचना आपके दिखने में, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, है ना, ऐसे अंग जिनकी मूल संरचना तो क्या होती है, अलग अलग होती है ना, यानी कि उनकी जो मेन ज्योमेट्री है ना वो तो क्या होती है, अलग अलग होती है, बेसिक स्ट्रक्चर होती है वो तो अलग अलग होती है, लेकिन वो दिखने में समान होते हैं और उनके कार्य भी क्या होते हैं, समान होते हैं, वर्क भी समान होते हैं, तो ऐसे अंगों को क्या कहा जाता है, ठीक है। ये बायोलॉजी के अंदर मैं आपको करवाऊंगा अभी, है ना, तो आप देखना, बायोलॉजी में आपको डेली नहीं करवा पा रहा हूँ, एक दिन छोड़कर एक दिन मैं बायोलॉजी की कोशिश करूंगा पूरी क्लास आपके जल्दी जल्दी करवाने की। तो गाइस ऐसे अंगों को बोलते हैं समरूप अंग, ठीक है, समरूप और समजात अंग होते हैं। समरूप क्या होते हैं, ऐसे अंग जो दिखने में आपके अलग अलग होते हैं लेकिन कार्य समान होते हैं, तो वो दिखने में समान होते हैं, कार्य समान होते हैं, लेकिन इनकी जो मूल संरचना होती है ना वो क्या होती है, अलग अलग होती है, ऐसे अंगों को बोलते हैं समरूप अंग, ठीक है। हम पढ़ेंगे आगे बायोलॉजी में समरूप और समजात के बारे में डिटेल से। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई जब दो समान बल होते हैं वो किसी एक पिंड पर लागू होते हैं, ध्यान रखना दो बल हैं, ठीक है, दो बल हैं वो एक पिंड पर लागू हो रहे हैं और उनका मान क्या है, समान है, और आपको ये दे रहा है कि वो विपरीत दिशा में लग रहे हैं। तो आपसे बोला है कि पिंड पर लगने वाला कुल बल कितना होगा। मान लीजिए ये कोई आपका कोई पिंड है, एक बल हो रहा है वो इसकी विपरीत दिशा में लग रहा है, एक बल है वो विपरीत दिशा में लग रहा है, यानी कि 5 न्यूटन का बल इधर लग रहा है मान लीजिए और 5 न्यूटन का बल इधर लग रहा है, विपरीत दिशा में लग गए ना, मान दोनों के समान है, तो ऐसे पूछ रहा है कि भाई कुल जो बल होगा वो कितना होगा। तो गाइस आपको ध्यान रखना है कुल बल हो जाएगा 0, क्योंकि गाइस आपका एक बल तो इधर की ओर लग रहा है
एक बल इधर की लग रहा है, तो वस्तु गति नहीं करेगी, है ना। मान लीजिए कोई वस्तु है, एक आदमी समान वेग समान बल लगाकर इधर खींच रहा है उसको, दूसरा व्यक्ति समान बल लगाकर उसको दूसरी ओर खींच रहा है, तो उसमें कोई गति होगी ही नहीं, ठीक है। तो किया गया कार्य क्या हो गया उस स्थिति में, क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है गाइज। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई एक वृत्ताकार पथ है ना, एक सर्कुलर पाथ है, उसके अंदर कोई पिंड है वो स्थिर वेग से गति कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, स्थिर वेग, यानी कि उसका वेग है ना वो कांस्टेंट है, ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो उसकी जो गति है उसको क्या कहा जाता है। यानी कि एक वृत्ताकार पथ है, ये कोई पथ है सर्कुलर, और इसमें कोई कण है वो आपकी गति कर रहा है लगातार, और उसका वेग क्या है, फिक्स है, मतलब वेग में चेंज हो ही नहीं रहा है, तो इसकी गति को क्या कहा जाता है। तो गाइस ध्यान रखना, इसकी गति को कहा जाता है समान वृत्तीय गति। क्या बोलते हैं, समान वृत्तीय गति, यानी कि सेम सर्कुलर मोशन, ठीक है, यानी कि इक्वल सर्कुलर मोशन, यानी कि उसकी क्या है, इसको बोलते हैं आपके समान वृत्तीय गति, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ध्वनि से रिलेटेड है, और ध्वनि आपको मैंने करा दी है, और इसका एक लेक्चर और बाकी है, वो मैं बहुत जल्दी आपको करा दूंगा। तो देखिए ध्वनि क्या होती है, तो ध्वनि आपको बताया था उस समय कि भाई इसमें आपसे पूछा है कि ध्वनि किससे उत्पन्न होती है ना, यानी कि ध्वनि होती है उसके उत्पन्न होने का कारण क्या होती है। तो मैंने आपको उस समय बताया था कि ध्वनि होती है ना हमेशा वाइब्रेशन, जब भी उत्पन्न होता है ना वाइब्रेशन उत्पन्न होने के साथ साथ ही उत्पन्न होती है। आपका गला होता है ना गला, उसके जब भी आप बोलते हैं तो गले के हाथ लगा के देखना, आपको लगेगा है ना कि आपके वाइब्रेशन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा कि भाई वस्तु में कंपन होता है ना तब आपकी ध्वनि होती है, वो आपकी उत्पन्न होती है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि जब लोहे की फाइलिंग जो होती है, अब देखो फाइलिंग को छोड़ दो, अगर आपको समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन है ना, तो भाई फाइलिंग को छोड़ दो, ऐसे मानो कि लोहा है और लोहे के छोटे छोटे टुकड़े हैं है ना, उनमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला दिया जाता है तो क्या होता है। तो आपको गाइस ध्यान होना चाहिए, जब किसी भी धातु के अंदर कोई अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, आपको पहले करा देना केमिस्ट्री में, जब कोई धातु किसी अम्ल से अभिक्रिया कराती है तो क्या बनती है। तो बताया था भाई हमेशा आपके क्या बनता है, एक तो हाइड्रोजन गैस निकलती है ना, और एक आपके एक क्या बनता है, एक आपके लवण बनता है, हमेशा हाइड्रोजन गैस बनती है और आपके एक लवण बनता है। तो गाइस क्या बनेगा, देखो मैं आपके सामने रिएक्शन करके दिखा देता हूँ कि भाई आपका ये था लोहा, ठीक है, इसमें मिला दिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो क्या होगा आपके, एक तो बनेगा FeCl2 है ना, प्लस आपके बनेगा H2, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी और फेरस आपका क्या बनेगा, लोहा क्लोराइड का बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके क्वेश्चन है ना वो रिलेटेड है आपके जो पादप हार्मोन होते हैं ना उनके बारे में, तो पादप हार्मोन भी मैं आपको बायोलॉजी के अंदर कराऊंगा। इसमें पूछा है कि भाई कौन सा हार्मोन होता है या कौन सा निम्न से कौन सा है जो कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है, यानी कि वो आपके सेल डिवीजन करने के लिए है ना वो आपके प्रोसीड करता है कि आप सेल डिवीजन को उसको बढ़ावा देता है ना। तो गाइस इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 है, साइटोकाइनिन, ठीक है। साइटोकाइनिन होता है वो आपके कोशिका विभाजन को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। कल ही एक क्वेश्चन आया था भाई कौन सा कोशिका पौधों में वृद्धि को रोकता है, बताया था ना कौन सा निम्न में से कौन सा हार्मोन होता है वो पौधों में वृद्धि को रोकता है, तो एब्सेसिक अम्ल उसका राइट आंसर था, ठीक है। कल आया था ना क्वेश्चन, तो मैं बायोलॉजी के अंदर से वो करा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन, देखिए आप इन क्वेश्चन हम देख रहे होंगे क्वेश्चन बहुत ही सीधे हैं, लेकिन सिर्फ इनकी लैंग्वेज है ना वो बहुत ही घुमा कर आपको दी हुई है ना, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछ रहा है, इनडायरेक्ट रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यही खेल होता है गाइस, ठीक है। साइंस में यही होता है कि आपसे लैंग्वेज घुमा कर क्वेश्चन की दे दी जाती है। देखिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि जल में अम्ल के मिश्रण को क्या कहा जाता है ना, जल में अम्ल का मतलब है कि जल के अंदर अम्ल डाल दिया गया है, उस मिश्रण को क्या कहा जाता है जिसको बनाने से आपके प्रति इकाई आयतन में सांद्रता में कमी हो जाती है। तो गाइज जब मैंने आपको विलयन पढ़ाया था, सॉल्यूशन के टाइप पढ़ाए थे, बताया था दो प्रकार का सॉल्यूशन होता है, एक डाइल्यूट होता है, एक कंसंट्रेट होता है ना, एक तनु होता है ना, एक आपके सांद्र होता है। तो उस समय आपको बताया था कि सांद्र क्या होता है और तनु क्या होता है, तो आपको बताया तनु उसको कहते हैं जिसमें आपके विलायक की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, उसे बोलते हैं तनु, और आपके सांद्र क्या होता है जिसमें आपके विलेय की मात्रा ज़्यादा होती है उसे बोलते हैं आपके सांद्र। तो भाई ये पूछा है कि जल में अम्ल मिलाया और उससे क्या हुआ, उसका आयतन की सांद्रता में कमी हो गई, तो सीधी सी बात है सांद्रता में कमी होती ना उसे बोलते हैं तनुकरण, यानी कि डायलेशन, ठीक है।
और जब आपकी सांद्रता में वृद्धि होती है उसे बोलते हैं कंसंट्रेशन, यानी कि सांद्रता में वृद्धि होना, ठीक है, यानी कि उसको बोलते हैं सांद्र विलयन। और जब आपके जो सांद्रता कम हो जाती है उसे बोलते हैं डाइलेशन, यानी कि आपके तनुकरण। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई निम्न में से कौन सा है जिसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, है ना, कौन सा है जिसे ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। शक्ति है, ठीक है, संवेग है, बल है और ऊर्जा है। तो आपको पता होगा संरक्षण के नियम हर चीज़ में लगते हैं और वहाँ पर ऊर्जा संरक्षण के बारे में आपको बताया था कि भाई ऊर्जा संरक्षण जो होता है एनर्जी कन्वर्जेशन, वो आपको ये बोलता है कि भाई ऊर्जा होती है ना उसको ना तो आप उत्पन्न कर सकते हो ना ही नष्ट कर सकते हो, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हो, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई निम्न में से किसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है। अब देखिए ऊर्ध्वपातन क्या होता है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं गाइज जब उनको आप गर्म करते हैं ना, तो गर्म करते हैं तो आपको पता है एक रूल होता है कि भाई पहले ठोस होता है वो बदलेगा आपके द्रव में, ठीक है, फिर द्रव से बदलेगा गैस में, यानी कि सॉलिड है सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जब आप लोग गर्म करते हैं वो सीधे ठोस से गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे पदार्थों को बोलते हैं ऊर्ध्वपात, उनके बोलते हैं उनको ऊर्ध्वपातित पदार्थ, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। तो आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है एक तो आपका नमक होता है नमक नौसादर, तो इनमें से आपका ऑप्शन है ऑप्शन और फर्स्ट नौसादर, उसका सूत्र दे रखा है NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, जो ऑप्शन और फर्स्ट है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा कि भाई ये आपके ऊर्ध्वपातन का गुण दिखाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है 8 ओम वाला एक प्रतिरोध है, अगर उसकी लंबाई को हमने 2 गुना कर दिया तो उसका नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा। गाइज जैसे क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही करा दिए हैं फिजिक्स के अंदर, आप जाइए फिजिक्स में न्यूमेरिकल वाली सीरीज में, वहाँ आपको 18 वीडियो डाल दिए हैं, पूरी फिजिक्स मैंने कवर कराई है, एक दो लेक्चर बाकी है वो मैं आपको करा दूंगा। तो देखें उससे मैं आपको मैंने डायरेक्ट तरीका बताया था, ठीक है, पहले तो हम बेसिक तरीके से करते हैं फिर आपको डायरेक्ट तरीका बताया था कि भाई डायरेक्ट तरीका ये कि लंबाई को जितना गुणा किया जाता है ना उसका स्क्वायर कर दो, उसका क्या कर दो स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर का मतलब भाई 2 गुना कर दे मतलब क्या होगा 4 गुना बढ़ जाएगा, तो 800 क्या हो जाएगा 32, क्या हो जाएगा 32 ओम। लेकिन शॉर्ट फॉर्म में अगर करें तो देखो कैसे करेंगे कि भाई 8 ओम का प्रतिरोध है उसकी लंबाई 2 गुनी कर दी तो L बराबर क्या होगी 2L, है ना। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है जब भी लंबाई आपकी 2 गुनी की जाती है तो उसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है ना वो है ना क्रॉस सेक्शन एरिया वो क्या हो जाता है आधा हो जाता है। तो देखिए आर होता है आर समानुपाती एल अपॉन ए, तो मान रख दो भाई आर समानुपाती L का मतलब होगा 2L और A होगा A बाई 2, ठीक है, तो ये आपके जो आपका जो 2 है ये ऊपर जाएगा तो R समानुपाती 4L अपॉन A, यानी कि भाई पहले का क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, सीधी सी बात है, यानी कि पहले आपको दिया कि 8 था तो 8 का 4 गुना क्या हो जाएगा 32 ओम, क्या हो जाएगा 32 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है ये है कि भाई 2 पिंड हैं उनके बीच जो बल लग रहा है वो कैसा होता है, है ना, ये आपको क्वेश्चन दिया है कि जो आपके बल लगता है 2 अलग अलग पिंडों पर वो भाई कैसा होता है। तो गाइस आपको ध्यान रखना है जो पिंडों को ऊपर बल लगता है ना वो हमेशा क्या होता है समान होता है, समान होता है और अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है, ध्यान रखना है समान होता है बल और क्या होता है हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वो इसका राइट आंसर आ जाएगा कि जो पिंडों के बीच अगर जो बल लगता है ना वो हमेशा समान होता है, यानी कि उसकी जो आपकी मान होगा है ना उसकी क्वांटिटी होगी वो तो क्या होगी इक्वल होगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी गाइस आपके विपरीत होगी, है ना, उल्टी होगी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई निम्न में से कौन सा ग्रुप है, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा ऊष्मारोधी है। ऊष्मारोधी का मतलब क्या है कि भाई अगर उसको गर्म करेंगे एक सिरे से तो उसमें उसके पूरे भाग में आपके ऊष्मा नहीं फैलेगी मतलब ताप नहीं फैलेगा, यानी कि एक भाग को हमने गर्म कर दिया ना तो उसके पूरे भाग में गर्म नहीं होगा वो, ऐसे पदार्थों को बोलते हैं ऊष्मा रोधी, ठीक है, हीट रेजिस्टेंस। तो अब बताइए कौन सा ऑप्शन है जिसमें आपको ऐसा लग रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड में देखेंगे तो इसमें आ रहा है कॉपर, तो आपको पता है कॉपर तो बहुत ही अच्छा चालक होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड देखेंगे सोना चांदी, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर फोर देखेंगे इसमें देखो एल्युमिनियम आ रहा है, तो एल्युमिनियम नहीं हो सकता। तो बचा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखेंगे आपके सारे के सारे में क्या होते हैं ऊष्मारोधी होते हैं, रबड़ है, एबोनाइट है, प्लास्टिक है, कागज़ है, बेकेलाइट है, शुष्क हवा है और रबड़ आपके कागज़ है, ठीक है, ये सारे के सारे आपके होते हैं एक तरह से ऊष्मा के आपके ऊष्मारोधी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, कल यही क्वेश्चन था वो दूसरे तरीके से पूछा गया था कि भाई निम्न में से कौन सी मछली वास्तव में एक मछली होती है, और आज यही क्वेश्चन देखो लैंग्वेज चेंज करके आपसे बोल दिया
कि भाई कौन सी मछली होती है वो समुद्र में पाई जाती है। समुद्र का मतलब है समुद्र में मछलियाँ ही पाई जाएंगी, है ना। आपको पता लगाना है कि भाई क्वेश्चन में थोड़ी लैंग्वेज का डिफरेंट है, ठीक है। आपसे पूछा है कि भाई कौन सी मछली वो समुद्र में पाई जाती है, तो समुद्र में मछली ही पाई जाएंगी। लेकिन आपको ध्यान रखना, हर किसी भी नाम के पीछे फिश लग रहा है ना, इसका मतलब वो मछली नहीं है। आपको मैंने कल ही कराया था, ठीक है, फिशरी ग्रुप, तो उस समय आपको पता होगा। तो कल वाला वीडियो नहीं देखा है ना, आप एक बार देख लीजिए बायोलॉजी का। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपको कल भी क्वेश्चन कराया था, आपको बताया डॉग फिश होती है ना, डॉग फिश कुत्ता मछली, वो वास्तव में एक मछली होती है, जबकि आपके स्टार फिश, जेली फिश, सिल्वर फिश, ये आपकी मछली नहीं होती है, ये अलग ग्रुप के आपके सदस्य होते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 को, ठीक है। इसमें आपसे पूछा है भाई कौन सा स्टेटमेंट है वो आपके सत्य है, तो ये आपके देखिए, ये जो स्टेटमेंट है ना वो आपके सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड है वैसे तो, और ये आपके हार्ट से रिलेटेड है, मेन रूप से आपको जो हृदय हो ना उससे रिलेटेड है। अब देखिए हृदय में क्या होता है, हमारा जो हृदय होता है ना, इसमें दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, हमारा जो ब्लड होता है ना वो हमारे हार्ट में दो बार प्रवेश करता है। आपको ध्यान होना चाहिए, हमारे हृदय में जो ब्लड होता है वो दो बार प्रवेश करता है, ठीक है। तो पहली बात तो महाधमनी में, ठीक है, और दूसरी बार कहाँ आता है, दूसरी बार आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं एक फेयर सा ग्राफ बनाता हूँ यहाँ पर हार्ट का, तो देखिए मान लीजिए कि आपका कोई हार्ट है, ठीक है, तो यहाँ महाधमनी होती है, ठीक है, और यहाँ पर क्या होते हैं आपके, यहाँ से आपका फेफड़े से कनेक्ट होती है ऊपर से, तो फेफड़ों में आपकी आवाज़ आती है, ठीक है। फेफड़ों में आपकी जो हवा नहीं, आपका ब्लड होता है वो जाता है, ब्लड फेफड़ों में ब्लड गया और फेफड़ों से शुद्ध होकर ऑक्सीजन मिलके वापस से यहाँ से प्रवेश करता है, ठीक है, यहाँ से वापस से प्रवेश करता है। तो जब वो प्रवेश करता है तो किसके साथ करता है, ये आपसे पूछा है। तो भाई फेफड़ों में जब गया ना वो ब्लड, तो ऑक्सीजन लेके आया, ठीक है, ऑक्सीजन लेके वापस से हृदय में आ गया। तो आप अब देखिए कौन सा ऑप्शन है वो आपके सत्य है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ये कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा ये कह रहा है कि भाई ऑक्सीजन होती है जब फेफड़ों में प्रवाहित होती है ना, तो रक्त के माध्यम से प्रवाहित होती है, ठीक है। तो आपको यही है, मैंने आपको बता दिया कि ये जो आपका डायग्राम होता है हार्ट होता है, है ना। तो हार्ट आपको पढ़ाएंगे तब आपको डिटेल से बताऊंगा कि यहाँ से तो आपका जो क्या होता है, जो ब्लड होता है, जो आपका अशुद्ध रक्त होता है वो आपके जाता है, और शुद्ध होके यानी कि फेफड़ों से आपके ऑक्सीजन ग्रहण करके वापस से हार्ट में आपका आता है, यानी कि दो बार हमारे हृदय में जो ब्लड होता है वो आता है। तो मैं आपको वहाँ डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि भाई निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट है वो आपके सत्य है, बताइए। देखिए ये धातु के बारे में बात कर रहा है, धातु के बारे में आपको पता होना चाहिए कि धातु क्या होती हैं। तो आपको पहले भी ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है पिछली शिफ्टों में, अगर आपने देखा होगा, देखिए धातु होते हैं ना, ये सब के बारे में बात कर रहा है भाई, अंतिम कोश में। तो भाई धातु होती है ना, उनके अंतिम कोश में होते हैं 1 से लेकर 4 तक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो धातु होती है ना, उनकी विशेषता होती है कि धातु होती हैं उनमें अंतिम कोश में 1 से 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन में हो सकता है सोडियम होता है Na+, ठीक है, 2 हो सकते हैं Mg+2, 3 हो सकते हैं Al+3, यानी कि इस प्रकार से आपकी धातु होती हैं उनके अंतिम कोश में आपके क्या हो सकते हैं 1 से 4 इलेक्ट्रॉन आपके पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भाई समुद्र तल पर जो वायुमंडलीय दाब होता है ना ATM, ठीक है, जिसको ATM में मापा जाता है, वो कितना होता है। तो आपको ध्यान रखना गाइस, समुद्र तल पर यानी कि आपके सी लेवल पर, है ना, आपके समुद्र लेवल पर जो वायुमंडलीय दाब होता है ना, एटमोस्फेयर प्रेशर, वो हमेशा 1 ATM होता है। क्या होता है? 1 ATM होता है। क्या होता है? 1 एटमोस्फेयर होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है, इसमें पूछा है कि 1 जूल प्रति सेकंड है किसके बराबर होता है, यानी कि आपके पता लगाना है कि भाई 1 जूल होता है, जूल बटे सेकंड, ये किसका मात्रक होता है। तो आपको पता होगा जो शक्ति होती है ना, शक्ति वो होती है जो पी बराबर होती है W/T, पी बराबर W/T, यानी कि कार्य करने की जो दर होती है उसे बोलते हैं शक्ति। अब देखिए जो कार्य होता है उसका मात्रक होता है जूल, और टाइम का होता है सेकंड, तो जूल पर सेकंड किसका आंसर आ जाएगा आपके, ऑप्शन नंबर आपके जो 3 है, ठीक है, वाट, इसका राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि वाट होता है, शक्ति होता है, उसका मात्रक होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जिस प्रकार से बैरोमीटर दाब से संबंधित होता है, उसी प्रकार सिस्मोग्राफ किससे संबंधित होता है, यानी कि आपका जो बैरोमीटर रहता है ना वो दाब को मापता है, तो सिस्मोग्राफ किसको मापता है, ये आपसे इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको पता है सिस्मोग्राफ होता है वो भूकंप की तीव्रता को मापता है, ठीक है। अर्थक्वेक आता है वो कितनी तीव्रता का आया है उसकी वैल्यू को जो आपके ज्ञात करता है वो सिस्मोग्राफ करता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि आवृतबीजी जो होते हैं,
आवृतबीजी क्या होते हैं, जिनके बीज क्या होते हैं, ढके हुए होते हैं किसी सतह से, उन्हें आवृतबीजी बोलते हैं। तो उनके जो प्रजनन अंग होते हैं, ठीक है, वो आपके कहाँ पाए जाते हैं, प्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है उनके जो आपके प्रजनन अंग होते हैं वो पाए जाते हैं फूल के अंदर। कहाँ पाए जाते हैं, फूल के अंदर, फ्लावर के अंदर। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब एक पत्थर को किसी स्प्रिंग से हमने बांधा हुआ है, एक स्प्रिंग तुला जो होती है ना वो क्या करती है, आपके वजन को बताती है। आजकल देखो आपको पता है वजन मापने के अलग अलग उपकरण होते हैं, द्रव्यमान मापने के, लेकिन पहले क्या करते थे, जो आपकी स्प्रिंग है उस स्प्रिंग के ऊपर आपके उस पत्थर को या किसी द्रव्यमान को बांध दिया जाता था और उससे रीडिंग याद कर दी जाती थी। तो आपसे पूछा कि एक पत्थर है वो स्प्रिंग तुला के ऊपर बांधा हुआ है ना, तो स्प्रिंग तुला में आपके किस स्थिति में रीडिंग कम आएगी, मतलब उसका भार है ना वो कम कब दिखाएगी आपकी स्प्रिंग। तो देखो ऑप्शन में फर्स्ट है कि जब वो हवा में लटका हो, तो हवा में लटका होगा ना तो आपको पूरा दिखाएगा फुल, है ना, पानी के बीकर में हो, ठीक है। तीसरा आंशिक रूप से डूबा हुआ हो, या पत्थर बीकर के ऊपर रखा हुआ हो। तो सीधी सी बात है, आपको जब हम किसी वस्तु को पानी में से उठाते हैं ना तो हमको वजन महसूस नहीं होता ना, आपने देखा होगा पानी के अंदर से बाल्टी भर के उठाते हैं तो उसमें हमको वजन महसूस ही नहीं होता है ना, ऐसा लगता है कि उसमें कोई वजन ही ना हो। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगर उस पत्थर को हम किसी बीकर के अंदर रखें और वहाँ उठाते हैं तो उसका भार है ना वो क्या होगा, आपके बहुत ही कम आएगा, उसकी रीडिंग है वो बहुत ही कम आएगी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई निम्न में से कौन सी धातु होती है उसको तेल में रखा जाता है, मतलब कैरोसिन में रखा जाता है। तो आपको पता होगा वैसे सोडियम होती है ना उसको कैरोसिन में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि सोडियम होती है वो एक बहुत ज़्यादा क्रियाशील धातु होती है, अगर उसको खुला छोड़ देते हैं तो आपके हवा से क्रिया करके जलने लग जाती है। तो इसी प्रकार आपकी जो पोटेशियम होती है ना उसका भी गुण ऐसा ही होता है, पोटेशियम होता है और सोडियम होता है, दोनों ही समान गुण दिखाती हैं। तो पोटेशियम इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपका सोडियम है वो आपके ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि अल्ट्रासोनिक तरंग होती है उनकी आवृत्ति कितनी होती है। तो गाइस अल्ट्रासोनिक तरंग होती है ना वो हम साउंड वाला चैप्टर करा रहे हैं, उसे बहुत जल्दी आपको करा देंगे। तो अल्ट्रासोनिक तरंग क्या होती हैं, ऐसी तरंग जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा होती है। क्या होती है, 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा होती है, उनको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक तरंग। तो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा कि भाई 20,000 हर्ट्ज़ से ऊपर की तरंग होती है उनकी जो आवृत्ति होती है उन्हें बोला जाता है अल्ट्रासोनिक तरंग, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि चौथे और पांचवा आवर्त होता है उसमें कितने कितने एलिमेंट होते हैं। तो आपको पता होगा आवर्त सारणी में आपके 7 आवर्त होते हैं, और आपको मैंने बताया था पहले में 2 होते हैं, दूसरे और तीसरे में 8-8 होते हैं, चौथे पांचवे में 18-18 होते हैं, और छठे सातवें में 32-32 होते हैं। तो आपसे पूछा है कि भाई चौथे और पांचवे में कितने हैं, तो चौथे पांचवे में आपके होते हैं 18-18। कितने होते हैं, 18-18। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन है वो आपका सत्य है, कौन सा स्टेटमेंट है वो आपका सत्य है, ठीक है। तो देखिए आपको दिया है भार के बारे में और द्रव्यमान के बारे में। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि भाई किसी वस्तु का द्रव्यमान होता है ना वो कहीं भी चेंज नहीं होता, कल यही क्वेश्चन सेम था, लेकिन उसका भार होता है ना वो आपके बदलता रहता है, क्योंकि भार होता है ना डब्लू, वो डब्लू बराबर होता है mg के, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। लेकिन आपका द्रव्यमान होता है ना m, वो कहीं भी चेंज नहीं होता। तो आप देख लीजिए कौन सा कथन है वो सही होगा। तो देखिए आपका देखिए ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा कि भाई किसी भी वस्तु का द्रव्यमान होता है वो तो समान रहता है, जबकि भार होता है वो आपके स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो पार्ट नंबर 60। अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर जाइए, सर्च कीजिए रेलवे की पाठशाला और ज्वाइन हो जाइए, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। चलिए ऐसे ही डेली हम 10 बजे ऐसी वीडियो डालेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे कल अगली क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।